हाँ जी आ चुके हैं। आखिरी आज का आखिरी रिएक्शन वीडियो लेकर, मतलब जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी होने वाला है, क्या होने वाला है, जिसका नाम है, मैं नाम भूल गया यार, मेरे नैना तेरे नैना, ये एक भोजपुरी मूवी होने वाली है, ठीक है। वेव म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर आई है बहुत टाइम बाद, और इसमें केसरी लाल यादव सर है, खेसरी नहीं, केसरी लाल यादव सर, ठीक है, और खुशबू शर्मा मैम होने वाली हैं, ठीक है। भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी लैंग्वेज में है, सब टाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजपुरी हिंदी सेम सेम, भाई भाई, ठीक है, बहन भाई, तो ठीक है। और इसमें 9,10,000 व्यूज़ है 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब केसरी लाल यादव सर की मूवी है, और इसमें 1 मिलियन व्यूज़ एक दिन में नहीं हुए, मैं तो थोड़ा सा मतलब अचंभे में हूँ, शॉक में हूँ थोड़े से, बट पता नहीं कैसे, जबकि भाई इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स भी देख लो, 57 मिलियन, मतलब 50 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, तो भाई यहाँ तो अभी तक 3 दिनों में तो 10-15 मिलियन व्यूज़ हो जाने चाहिए थे, बट पता नहीं क्यों यहाँ 1 लाख लाइक, यहाँ 1 लाख लाइक भी नहीं हुए, मतलब थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा कह दो ना, वो कम मिला, इसको एक्सपोजर कम मिला, पता नहीं क्यों। अब डाइव इन करते हैं, 2 मिनट्स, मतलब 3 मिनट का ट्रेलर, भाई धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, 3 मिनट का ट्रेलर, वो भी भोजपुरी मूवी का, फाइनली हमें देखने को मिला अपने चैनल पे, तो छोटा है, मतलब मेरे देखो भोजपुरी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो मतलब जिनको मैं रिएक्ट कर चुका हूँ अभी तक भोजपुरी ट्रेलर टीजर्स, उनमें से तो ये छोटा ही है, तो मैं तो छोटा ही रिकमेंड करूँगा इसे, बढ़िया होगा। और लेकिन ये बता दो पहले डिस्क्लेमर, ये 18+ मूवी हो सकती है कहीं कहीं, क्योंकि ये लव स्टोरी जिस जैसे तरीके से नाम लिखा है, और ठीक है, और थंबनेल में जैसे जैसे सीन्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो थंबनेल, मतलब वैसे तो कोई सीन नहीं है यहाँ पर, केसरी लाल यादव सर हैं उधर, खुशबू मैम है उस साइड, इधर दोनों बीच में, मतलब हमारे जो हैं करेक्टर्स वो शादी करके हैं, ठीक है, आपको यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा नैना तेरे नैना करके मैंने जब इसके बारे में रिसर्च की, इसमें है मतलब रिकमेंड किया गया है ये 18+ मूवी ही है, तो हम तो हैं 18 साल के, मैं तो 20 का हूँ, जो बच्चे छोटे हैं वो कृपया ना देखें, या फिर अपने मम्मी पापा की गाइडेंस में देखना इस वीडियो को। आ जाओ, गाने होंगे तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, मैं गाने यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है, कॉपीराइट इशू। अब भाई हाँ ये बता दो, इससे पहला जो मैंने एक भोजपुरी ट्रेलर किया था ना रिएक्ट, उस पर जबरदस्ती का कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, मैं यहाँ ऐसे जैसे इंट्रो दिया है अभी, मैंने अभी इंट्रो दे के मैं निपटा ही हूँ उस वीडियो में, और वहाँ उससे उस वीडियो में उस पार्ट पे मुझे कॉपीराइट दे रखा है, तो मैंने उसको वीडियो को डिलीट किया, और वापस वो वीडियो जब रीअपलोड की ना तो कॉपीराइट नहीं आया, उलझुल कॉपीराइट आ रहे हैं आजकल भाई यूट्यूब पे, यूट्यूब के जो मतलब जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर मतलब यूट्यूब पे जो हम जैसे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, वो भाई कुछ भांग वांग पी रहे हो क्या तुम सारे के सारे? भाई मेरी खुंदस इतनी चढ़ रही थी, जबरदस्ती का कॉपीराइट था भाई। ओ भाई नोटिस की एक चीज, अभी चालू हुआ है, यहाँ 12-13 सेकंड 14 सेकंड हुए हैं और गाना आ गया, शुरू में ही गाना है, शुरू से देखते हैं, मूड खराब यहीं से हो गया मेरा, बॉडी बढ़िया लग रही है, लेकिन केसरी लाल यादव सर की बढ़िया बना ली भाई सर ने बॉडी। ओके, गाना तो सही लग रहा है, गाना अच्छा लग रहा था एक्चुअल में, मतलब हेडफोन्स में वो बेस आ रही थी सुनाई, आई नो, समझ में आ रही थी, मतलब बहुत लोग कहेंगे भोजपुरी गाने हमें पसंद नहीं है, बहुत लोगों को होंगे, लेकिन मुझे इस गाने का जो वाइब है वो अच्छा लगा, हम समझे थे तुम्हारा इशारा तनिक तनिक, उनका ये है ना 18+ सीन आ गया, कि तुम मैं तुम्हारी उनका तरफ देख चाहती रहा हूँ, हो। मैंने नहीं देखा वो, हम दुनिया है जहां तेरी नाइस, जाने तो टिपिकल लव स्टोरी होने वाली है, कि ओकर इच्छा कबो पूरा नहीं कर सकी थे, ये आर्टिस्ट अच्छा, ओके, पानी में मुक्का मारने से क्या होगा सर, समाधान ढूंढना होगा, अच्छा दिमाग तो ठिकाने में है ना दाई माँ, नैना रे नैना नैना ले गयो मोरा चैन, भाई क्या बात है भाई,
जो सो रहा है वो सही बढ़िया लगा है। वशीकरण करना होगा उनका, कौनो करीबी सामान हमरे पास लेके आ। अच्छा कुत्ता, एक मिनट भाई, कैसे कैसे सीन है भाई, तो ये पर्दा का है का? क्या हो गया? अच्छा यहाँ तो इन्होंने वशीकरण करवाया, लेकिन वो तो किसी और के उसमें, मतलब नॉट किसी और के प्यार में, बट वो तो किसी और से बात कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो इन्हें लग रहा है वो चीट कर रहे हैं इन्हें। हमका अब सूद समेत लौटाए। क्या पैसा? मोती अगर वासु को कुछ हुई गवाना तो हम अपने आप के कबो माफ ना कर सके। अच्छा एक बीमार हो गया, ओ हमको ऐसा रोशनी नहीं चाहिए मोती जिससे हम वासु को ही ना देख सके। हमारा लिए था, कभी नहीं पता चलेगा कि ये काम तो तुम्हारी प्रेमी का है, मतलब तुम्हारी पत्नी का ही है, तो वो टूट जाएंगे। क्या उन्हें पता चल गया? क्या बना दिया मुझको दिखा के? अच्छा आधा इनका फेस और आधा उनका फेस, वाह। तू तू बस बस बस, कितनी जल्दी जल्दी स्क्रीन बदल रहे हैं भे? वो गला किसका काट दिया? कुत्ता तो नहीं मार दिया ब्रो, वो गलत हो जाएगा ब्रो। ओके ठीक है, देखो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ठीक ही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे इस मूवी से, ठीक है। और जो भी छोटे बच्चे हैं वो कृपया ना देखें इस ट्रेलर को, फिर से बता रहा हूँ, देख लिया है तो जाकर आप मम्मी पापा को बता देना कि हमने ये ट्रेलर देख लिया है, वो फिर तुम्हारे बम को देखेंगे देख, ठीक है, चप्पल से डंडे से, जो भी छोटे बच्चे हैं 18 साल के, ठीक है। अपने आप को ऐसा सेठ मत समझो अभी कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम भी ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, हो सकता है तुमने इन सभी बुरी चीज़ें देखी हो, ठीक है, तो संभल के। तो हाँ ठीक है, मुझे ठीक लगा, कुछ ज़्यादा खास तो देखो नहीं कहूँगा मैं, टिपिकल रोमांटिक जॉनरा वाली मूवी होने वाली है, लेकिन नॉट रोमांटिक, थोड़ा कह सकते हो ना सस्पेंस वाला सीन होंगे, यहाँ सस्पेंस बना रहेगा कि अब इस सीन के बाद क्या क्या हुआ, जैसे कि यहाँ हुआ ना कि भाई यहाँ गर्दन किसकी है, मतलब जो तलवार है, छुरी है, चाकू है, जो कुछ भी है वो, या वो किस पर चलाई गई, यही सब है। तो हाँ ठीक है, मुझे ठीक ठीक लगा, ठीक 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 है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम बताना अपना ओपिनियन कि तुम्हें कैसा लगा ये मूवी, ठीक है, ठीक है। और ये नंबर पर अगर किसी को व्हाट्सएप करना हो तो कर सकते हो, मेरा नहीं है, ठीक है। डेट नहीं बताई गई है, कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, बस यहाँ लिखा है मूवी आएगी इस साल को, क्योंकि केसरी लाल यादव सर की ऑलरेडी एक मूवी सिनेमा हॉल्स में थिएटर्स में मतलब लगी हुई है, एक मूवी का भी कुछ देर पहले मतलब मतलब केस, ये देखो ना, ये मैंने इसको रिएक्ट किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस मूवी का फरिश्ते मूवी के ट्रेलर का, इसको मैंने रिएक्ट किया था इस ट्रेलर को, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज़रूर से, तो जाकर ज़रूर से देखना इसको, इसके रिएक्शन को, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका। तो मतलब तुम देख रहे हो सर, बहुत ज़्यादा मतलब पीक पे चल रहे हैं इस समय, मतलब एक मूवी अभी उतरी भी नहीं है सिनेमा से, दूसरी मूवी का पोस्टर या सॉन्ग या कुछ ट्रेलर वगैरह आ जाता है, फिर एक मूवी का पोस्टर या क्लिम्स वीडियो या सब कुछ आ जाता है, अनाउंसमेंट वीडियो आ जाती है, या मतलब लीक फुटेजेस आ जाती हैं, कुछ आ जाता है भाई, सर लगे पड़े हैं भाई। अभी कुछ दिन पहले शायद से कश्मीर में सर शूटिंग कर रहे थे किसी मूवी की, तो मतलब सर भाई दवा के पीक टाइम पे दवा के मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मूवीज़ निकाल रहे हैं वो। अब पता नहीं मेरे एरिया में ये मूवी लगेगी नहीं, क्योंकि और ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्थ इट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ये मूवी देख नहीं जाऊँगा, देखते हैं, ठीक है, मुझे ठीक लगा। तो मतलब ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नज़रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर, ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड माफ़ी चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा लेट हो गए इसको रिएक्ट करने में, बट देखो रिएक्ट तो किया, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट तो किया 3 दिन बाद ही सही, लेकिन किया, बाकी प्यार दिखाओ हमें,
1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। बाकी मुझे बड़ा लगा तुम बता रहा हूँ अपना ओपिनियन। बाकी चलते हैं लेते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय।